हर हर महादेव। मैं पंडित कान्हा दादिच आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत होने का एक कारण है कि बड़ा विचित्र प्रश्न आया है। हालांकि सभी के मस्तिष्क में ये प्रश्न घूमते रहता है, कुछ लोग प्रश्न कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ये प्रश्न है व्रत को लेकर। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि क्या व्रत उपवास में दातुन यानी मंजन करना वर्जित है, क्या हम मंजन कर सकते हैं। कई लोग करते भी नहीं हैं। तो व्यास जी का ऐसा कथन है और ऐसा मदन रत्न में व्यास जी ने कहा है कि उपवासे न दुष्यन्ति दंत धावन मंजनम। कहते हैं कि उपवास में व्रत में इनमें मंजन करना, दंत धावन करना इनका दोष नहीं है। आजकल वर्तमान समय में जो मंजन आते हैं उनमें क्या होता है कि लवण की मात्रा होती है, नमक होता है, इसलिए सभी वर्जित समझते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिस दिन व्रत हो आप इस आधुनिक जो मंजन है, जो प्रकार है इसका, इसको आप त्याग देवे और नीम के दातुन से भी आप, पलाश के दातुन से आप मंजन कर सकते हैं, ताकि आपका व्रत भी रह जाए और आपके मुख की शुद्धि भी बनी रहे। मैं पुनः फिर से प्रयास करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं और शास्त्रोक्त विधि से ये सभी आपसे संपन्न करवा सकूं। जो भी आप पुण्य कर्म करते हैं शास्त्रोक्त विधि से करें। मैं फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फिर से लौटूंगा। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।